गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम संजय कुमार सिंह फ्रॉम सागर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गांधीनगर, भोपाल। टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 4। इन लेक्चर नंबर 1, हियर वी विल डिस्कस अबाउट डिफिनीशन ऑफ हीट एक्सचेंजर, क्लासिफिकेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर, डेरिवेशन ऑफ LMTD फॉर पैरेलल फ्लो, डेरिवेशन ऑफ LMTD फॉर काउंटर फ्लो। First, what is a heat exchanger? So, heat exchanger is a process equipment designed for effective transfer of heat between two fluids, a hot fluid and a coolant. Means, heat exchanger एक device है जहां hot fluid हीट लूज करता है, कोल्ड फ्लूड हीट गेन करता है, यानी कि हॉट फ्लूड का हीट ट्रांसफर होता है कोल्ड फ्लूड में। अपने डे टू डे लाइफ में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जितने अपने मैकेनिकल के इक्विपमेंट्स या कंपोनेंट्स जिसका लास्ट का लेटर ER या OR होता है, कंप्रेसर को छोड़ दें तो सभी इक्विपमेंट्स ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ हीट एक्सचेंजर। तो नाउ द purpose may be either the purpose of heat exchanger, it may be either to remove heat from a fluid or to add heat to a fluid. Purpose अपना mainly या तो किसी fluid के heat को दूसरे fluid में transfer करना, यानी उस heat fluid के heat को decrease करना, या दूसरे फ्लूड के हीट को इंक्रीज करना अपना पर्पस होता है। एग्जांपल्स ऑफ हीट एक्सचेंजर्स आर बॉयलर, कंडेंसर, एवोपरेटर, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर, रेडिएटर, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ हीट एक्सचेंजर। मींस हीट एक्सचेंजर इज अ डिवाइस इन विच एक्सचेंज ऑफ हीट और ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम हॉट फ्लूड टू कोल्ड फ्लूड। That device is called a heat exchanger. Second one, classification of heat exchanger. Heat exchanger को हम classify करते हैं first on the basis of relative direction of motion of fluid. Fluid के motion, जो दो fluids है उसके motion के direction के according हम heat exchanger को classify करते हैं। तो according to relative direction of motion of fluids, heat transfer is classified into 3 way. One is called parallel flow, second one is called counter flow, and third one is called cross flow. Now, first one, parallel flow heat exchanger. Parallel flow. In parallel flow heat exchanger, the fluids, hot and cold, enters the unit from the same side, flow in the same direction. And subsequently leave from the same side. अगर किसी भी heat exchanger में hot fluid, cold fluid दोनों एक side से in हो रहा है और दोनों same direction में flow हो रहा है, तो उस type के heat exchanger को हम लोग बोलते हैं parallel flow heat exchanger. यहाँ हम देख रहे हैं hot fluid flow हो रहा है through inner tube, कोल्ड फ्लूड फ्लो हो रहा है थ्रू एनुलस, लेकिन दोनों फ्लूड का जो डायरेक्शन है, हॉट फ्लूड कोल्ड फ्लूड दोनों फ्लूड का जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो अगर दोनों फ्लूड सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उस टाइप के हीट एक्सचेंजर को हम बोलते हैं पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। नाउ सेकेंड वन इज काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, इन काउंटर फ्लो अरेंजमेंट द फ्लूड्स हॉट एंड कोल्ड इंटर्स द यूनिट फ्रॉम अपोजिट एंड्स, ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन एंड साइमल्टेनियसली लीव फ्रॉम अपोजिट एंड्स। अगर किसी भी हीट एक्सचेंजर में
हॉट फ्लूड कोल्ड फ्लूड अपोजिट डायरेक्शन में इन हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि हॉट फ्लूड यहाँ इस एंड से हीट एक्सचेंजर में इन हो रहा है, कोल्ड फ्लूड इस एंड से इन हो रहा है। तो दोनों फ्लूड अपोजिट डायरेक्शन में इन हो रहा है। जो डायरेक्शन है फ्लो का, हॉट फ्लूड फ्लो हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कोल्ड फ्लूड फ्लो हो रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो दोनों जो फ्लूड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। तो अगर हीट एक्सचेंजर में दोनों फ्लूड अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उस टाइप के हीट एक्सचेंजर को हम बोलते हैं क्रॉस फ्लो हीट, सॉरी काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। थर्ड वन इज क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर मीन्स इन क्रॉस फ्लो अरेंजमेंट द टू फ्लूड्स हॉट एंड कोल्ड आर डायरेक्टेड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। अगर किसी हीट एक्सचेंजर में हॉट फ्लूड कोल्ड फ्लूड का जो डायरेक्शन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उस टाइप के हीट एक्सचेंजर को हम बोलते हैं क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। लाइक रेडिएटर, ऑटोमोबाइल रेडिएटर, जो वाटर है हॉट फ्लूड है फ्लो होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फैन लगा होता है, फैन जो एयर को ब्लो कराता है रेडिएटर के ऊपर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्री। यानी कि अगर यहाँ ये कोल्ड फ्लूड का डायरेक्शन है, ये हॉट फ्लूड का डायरेक्शन है, हॉट फ्लूड कोल्ड फ्लूड के बीच का जो एंगल है दैट एंगल इज 90 डिग्री। तो अगर हॉट फ्लूड कोल्ड फ्लूड का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उस टाइप के हीट एक्सचेंजर को हम बोलते हैं क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। नाउ सेकेंड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ हीट एक्सचेंज प्रोसेस heat exchanger is classified into two way. One is called direct contact type heat exchanger, second one is called indirect contact type heat exchanger. First one, direct contact type heat exchanger. Direct contact type heat exchanger means अगर दो फ्लूड है हॉट फ्लूड कोल्ड फ्लूड और दोनों फ्लूड एक दूसरे से मिक्स होकर के अगर हीट एक्सचेंज कर रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है तो उस टाइप के हीट एक्सचेंजर को हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। द एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड फ्लूड्स इज ब्रॉट अबाउट देयर कंप्लीट फिजिकल मिक्सिंग। अगर दोनों फ्लूड एक दूसरे से फिजिकली मिक्स हो रहा है देन हीट एक्सचेंज हो रहा है, हॉट फ्लूड हीट लूज कर रहा है, कोल्ड फ्लूड हीट गेन कर रहा है, तो उस टाइप के हीट एक्सचेंजर को हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर्स आर कूलिंग टावर्स, जेट कंडेंसर इन स्टीम पावर प्लांट। कूलिंग टावर के केस में वाटर पार्टिकल्स एंड एयर दोनों एक दूसरे से फिजिकली एक दूसरे के साथ मिक्सअप होता है और फिर हीट एक्सचेंज होता है। सिमिलरली इन केस ऑफ जेट कंडेंसर, वाटर पार्टिकल्स और वेपर पार्टिकल्स एंड एयर दो एक दूसरे से मिक्स होता है देन हीट एक्सचेंज होता है। तो अगर किसी भी हीट एक्सचेंजर में हॉट फ्रूट कोल्ड फ्रूट दोनों एक दूसरे से फिजिकली मिक्स हो रहा है और फिर हीट एक्सचेंज हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट हॉट फ्रूट हीट लूज कर रहा है, कोल्ड फ्रूट हीट गेन कर रहा है, तो उस टाइप के हीट एक्सचेंजर को हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। इसका अपोजिट इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। अगर किसी भी हीट एक्सचेंजर में हॉट फ्लूड हीट लूज कर रहा है, कोल्ड फ्लूड हीट गेन कर रहा है विदाउट मिक्सिंग ऑफ फ्लूड्स, अगर दोनों फ्लूड्स के बिना मिले एक दूसरे से बिना मिक्सअप हुए अगर हीट एक्सचेंज हो रहा है तो उस टाइप के हीट एक्सचेंजर को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। यहाँ लिखा ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट फ्लूड टू कोल्ड फ्लूड विदाउट फिजिकल मिक्सिंग ऑफ फ्लूड्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर्स। Now, indirect contact type heat exchanger is again classified into two way. One is called regenerator, another one is called recuperator. First one is regenerator. Regenerator के केस में अगर ऐसा heat exchanger जहां की hot fluid, cold fluid बिना एक दूसरे से mix हुए
सेम पैसेज से साइमल्टेनियसली अगर फ्लो हो रहा है, यानी कि अगर किसी वेसल के अंदर हॉट फ्लूइड इन हुआ और हॉट फ्लूइड इन होने के बाद जो हॉट फ्लूइड का जो हीट है वो वेसल ऑब्जर्व किया, फिर जब हॉट फ्लूइड पूरी तरह से सिस्टम से बाहर चला गया, फिर उसके बाद उसमें कोल्ड फ्लूइड इन कराया गया, और कोल्ड फ्लूइड जब इन हुआ तो जो वाल मेटल सरफेस जो हीट ऑब्जर्व करके रखा हुआ है वो हीट क्या करेगा, कोल्ड फ्लूइड जो है उसको गेन करेगा, तो दोनों फ्लूइड साइमल्टेनियसली एक ही सिस्टम से एक ही वेसल से में क्या हो रहा है, इन हो रहा है। हॉट फ्लूइड हीट हॉट फ्लूइड जब सिस्टम में इन हुआ तो बॉडी को हीट, जो वाल है मेटल है उसको हीट दिया, जब हॉट फ्लूइड पूरी तरह से सिस्टम से बाहर चला गया फिर कोल्ड फ्लूइड इन कराते हैं, तो जो वाल जो हीट ऑब्जर्व करके रखा है वो हीट कोल्ड फ्लूइड गेन करता है। तो दोनों फ्लूइड बिना मिक्स हुए हॉट फ्लूइड हीट लूज किया, कोल्ड फ्लूइड हीट गेन किया। फॉर एग्जांपल अगर हम इंजन से सिलेंडर पिस्टन की बात करें, तो सिलेंडर के केस में जब कंबसन होता है तो कंबसन में से जो हीट जनरेट होता है वो सिलेंडर वाल ऑक्यूपाई करता है, और जब पिस्टन बीडीसी टू टीडीसी जाता है तो पूरी तरह से जो एग्जॉस्ट गैस होता है वो सिलेंडर से बाहर चला जाता है। फिर ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक जो फ्रेश एयर सिलेंडर के अंदर आता है तो जो वाल हीट ऑब्जर्व करके रखता है वो वाल जो फ्रेश एयर फ्रेश चार्ज जो है वो उस हीट को ऑब्जर्व करता है। तो यहाँ सेम पैसे से सेम सिलेंडर से एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस एंड फ्रेश चार्ज दोनों फ्लो हो रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिक्स नहीं हो रहा है, लेकिन हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ वही लिखा गया कि इन ए रीजनरेटर द हॉट फ्लूइड इज पास थ्रू अ सर्टेन मीडियम कॉल्ड मैट्रिक्स, द हीट इज ट्रांसफर्ड टू द सॉलिड मैट्रिक्स एंड एक्युमुलेट्स देयर, द ऑपरेशन इज कॉल्ड हीटिंग पीरियड, द हीट दस स्टोर्ड इन द मैट्रिक्स इज subsequently transferred to the cold fluid by allowing it to pass over the heated matrix, example engines, gas turbine, open hearth furnace, air heater of blast furnace, these are the examples of regenerator। ये सभी type places में alternately hot fluid, cold fluid same passage से flow होता है, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होता है, लेकिन हॉट फ्लूइड हीट लूज करता है और कोल्ड फ्लूइड हीट गेन करता है। सिमिलरली यानी कि रीजनरेटर में हॉट फ्लूइड कोल्ड फ्लूइड कैसे फ्लो हुआ, अल्टरनेटली, जबकि रिकुपरेटर में इन रिकुपरेटर द फ्लूइड फ्लो साइमल्टेनियसली ऑन आइदर साइड ऑफ ए सेपरेटिंग वाल, the heat transfer occurs between the fluid stream without mixing or physical contact with each other, examples are boiler, superheater, economizer, radiator, air preheater, all are the example of recuperator। recuperator mein hot fluid cold fluid dono ek sath flow hota hai, lekin hot fluid cold fluid dono ek wall se separated hota hai, yani ki tube ke andar se agar hot fluid flow ho raha hai to tube ke bahar se cold fluid flow ho raha hai, to tube ka jo hot fluid का जो हीट है वो ट्यूब गेन करता है और ट्यूब जो हीट है वो ट्रांसफर करता है कोल्ड फ्लूइड को। इस तरह से हॉट फ्लूइड का हीट कोल्ड फ्लूइड में ट्रांसफर होता है विदाउट मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड्स। नाउ थर्ड क्लासिफिकेशन इज मैकेनिकल डिजाइन ऑफ हीट एक्सचेंज सरफेस। According to mechanical design of heat exchange surface, heat exchangers is classified into three way. One is called concentric tube heat exchanger, second one is called cell and tube heat exchanger, and third one is called multiple cell and tube pass heat exchanger. The concentric tube. अगर दो ट्यूब है, इनर ट्यूब आउटर ट्यूब, इनर ट्यूब से हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है, आउटर एनुलस से कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और दोनों ट्यूब का सेंटर जो है सेम है, इफ बोथ द ट्यूब हैविंग सेम सेंटर, देन दैट टाइप ऑफ ट्यूब्स आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक ट्यूब्स। सेकेंड वन इज कॉल्ड सेल एंड ट्यूब। सेल एंड ट्यूब, अगर बंडल ऑफ ट्यूब्स एक सेल के अंदर है और ट्यूब से
हॉट फ्लूड फ्लो हो रहा है और इसके जितने भी ट्यूब से अगर इससे हॉट फ्लूड फ्लो हो रहा है और इसके सराउंडिंग्स में अगर कोल्ड फ्लूड है तो हॉट फ्लूड का हीट जो है ट्यूब गेन करेगा और ट्यूब हीट ट्रांसफर किसको करेगा, कोल्ड फ्लूड को। तो अगर एक बॉक्स के अंदर, एक सेल के अंदर बंडल ऑफ ट्यूब्स रखा हुआ है और दोनों फ्लूड एक दूसरे से मिक्स नहीं हो रहा है और हॉट फ्लूड हीट लूज कर रहा है, कोल्ड फ्लूड हीट गेन कर रहा है, इस टाइप के हीट एक्सचेंजर को हम लोग बोलते हैं सेलेंट ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। यानी कि वन ऑफ द फ्लूड इज कैरिड थ्रू ए बंडल ऑफ ट्यूब्स इनक्लोज्ड बाय ए सेल, द अदर फ्लूड इज फोर्स्ड थ्रू द सेल एंड फ्लोज ओवर आउटसाइड सरफेस ऑफ द ट्यूब्स। थर्ड वन इज कॉल्ड मल्टीपल सेल। अगर हम एक सेल का यूज कर रहे हैं जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड सेल। अगर हम एक सेल का यूज कर रहे हैं देन इट इज कॉल्ड सेलेंट ट्यूब। अगर इस सेल का आउटलेट है, इसको फर्दर हम दूसरे सेल से कनेक्ट कर दिए, दूसरे के आउटलेट को अगर हम तीसरे सेल से कनेक्ट कर दिए, अगर एक से ज़्यादा सेल हम यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम ऑफ हॉट फ्रूट टू कोल्ड फ्रूट, देन दैट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर इज कॉल्ड मल्टीपल सेल एंड ट्यूब पासेस हीट एक्सचेंजर। नाउ ये था क्लासिफिकेशन। अब हीट एक्सचेंजर का डिजाइन करने के लिए वेल नोन दो मेथड है। एक मेथड को बोलते हैं हम लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड LMTD मेथड। दूसरे मेथड को बोलते हैं इफेक्टिवनेस NTU मेथड। यहाँ हम लोग दोनों मेथड के बारे में पढ़ेंगे, LMTD मेथड एंड इफेक्टिवनेस NTU मेथड। तो फर्स्ट LMTD मेथड। LMTD मीन्स लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस मेथड। तो हम जो अपने सिलेबस में जो पढ़ना है LMTD मेथड फॉर पैरेलल फ्लो, LMTD मेथड फॉर काउंटर फ्लो, सिमिलरली इफेक्टिवनेस NTU मेथड फॉर पैरेलल फ्लो, इफेक्टिवनेस NTU मेथड फॉर काउंटर फ्लो। तो यहाँ अब हम बात कर रहे हैं, ये डेरिवेशन आपके RGPP एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। LMTD NTU के चारों डेरिवेशन में से कोई ना कोई एक डेरिवेशन ऑलवेज एग्जाम में आते रहता है। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं पैरेलल फ्लो। पैरेलल फ्लो का मतलब कि व्हेन बोथ फ्लूड्स आर फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन, यानी कि कोल्ड फ्लूड एंड हॉट फ्लूड, अगर दोनों फ्लूड का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उस टाइप के फ्लो को हम बोलते हैं पैरेलल फ्लो, और जिस हीट एक्सचेंजर में ये फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। तो नाउ हम बात करें पैरेलल फ्लो, तो हम देख रहे हैं कि कोल्ड फ्लूड इस सिस्टम में हीट एक्सचेंजर में कोल्ड फ्लूड इस सेक्शन पर यहाँ इन हो रहा है, हॉट फ्लूड इस सिस्टम में यहाँ इन हो रहा है, कोल्ड फ्लूड हीट गेन करने के बाद यहाँ से आउट हो रहा है, हॉट फ्लूड यहाँ। तो यहां हम देख रहे हैं कि हॉट फ्लूड सिस्टम में यहां इन हो रहा है, तो हॉट फ्लूड का मैक्सिमम टेम्परेचर कहां होगा, एट द इनलेट। जैसे जैसे हॉट फ्लूड फ्लो होते जाएगा, हॉट फ्लूड अपना हीट लूज करेगा और कोल्ड फ्लूड हीट गेन करेगा। तो हॉट फ्लूड जैसे जैसे फ्लो होगा, हॉट फ्लूड का टेम्परेचर ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज होगा। सिमिलरली जैसे जैसे कोल्ड फ्लूड फ्लो होगा, कोल्ड फ्लूड टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो कोल्ड फ्लूड का जो मैक्सिमम टेम्परेचर अगर हम बात करें, कोल्ड फ्लूड यहाँ इन हो रहा है, तो यह इस सेक्शन पर कोल्ड फ्लूड का क्या होगा, मिनिमम टेम्परेचर। और जैसे जैसे ये फ्लो होते जाएगा, हीट गेन करते जाएगा, और कोल्ड फ्लूड का मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ होगा, एट द आउटलेट। इसी तरह से अगर हॉट फ्लूड की बात करें तो हॉट फ्लूड का मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ होगा, एट द इनलेट। एंड हॉट फ्लूड जैसे जैसे फ्लो होते जाएगा उसका टेम्परेचर डिक्रीज होते जाएगा, और हॉट फ्लूड का जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो कहाँ होगा, एट द आउटलेट। यानी कि हॉट फ्लूड का मैक्सिमम टेम्परेचर होगा इनलेट के पास, हॉट फ्लूड का मिनिमम टेम्परेचर होगा आउटलेट के पास, कोल्ड फ्लूड का मिनिमम टेम्परेचर होगा इनलेट के पास, कोल्ड फ्लूड का मैक्सिमम टेम्परेचर होगा आउटलेट के पास। तो अब यहाँ हम इसको
हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर में जो हॉट फ्लूड फ्लो हो रहा है, तो हॉट फ्लूड का इनलेट का टेम्परेचर का हम नाम दे रहे हैं टी एच आई, टी टेम्परेचर के लिए, एच हॉट फ्लूड के लिए, आई इनलेट के लिए। हॉट फ्लूड के आउटलेट टेम्परेचर का नाम दे रहे हैं टी एच ओ, कोल्ड फ्लूड के इनलेट का टेम्परेचर नाम दे रहे हैं टी सी आई, कोल्ड फ्लूड के आउटलेट के टेम्परेचर का नाम दे रहे हैं टी सी ओ। तो इसको हम प्लॉट कर रहे हैं, एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर अलोंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो यहाँ से वाई एक्सिस पर हम इंडिकेट कर रहे हैं टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पर इंडिकेट कर रहे हैं लेंथ। तो जैसे जैसे हॉट फ्लूड फ्लो होगा, हॉट फ्लूड का टेम्परेचर जो है वो ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज होगा। हॉट फ्लूड का टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। हॉट फ्लूड का इनलेट टेम्परेचर टी एच आई, हॉट फ्लूड का आउटलेट टेम्परेचर टी एच ओ। इसी तरह से कोल्ड फ्लूड की हम बात करें तो कोल्ड फ्लूड जैसे जैसे सिस्टम में फ्लो होगा, कोल्ड फ्लूड का टेम्परेचर ग्रेजुअली क्या होगा, कोल्ड फ्लूड का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो कोल्ड फ्लूड के इनलेट का टेम्परेचर का नाम दिए टी सी आई, हॉट फ्लूड के इनलेट टेम्परेचर का नाम दिए टी एच आई, हॉट फ्लूड के आउटलेट टेम्परेचर का नाम टी एच ओ, कोल्ड फ्लूड के आउटलेट टेम्परेचर का नाम टी सी ओ। एट द इनलेट हॉट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट फ्लूड, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट फ्लूड एंड कोल्ड फ्लूड एट इनलेट मीन्स टी एच आई माइनस टी सी आई, इसका नाम दिए हम थीटा वन। सिमिलरली टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट फ्लूड एंड कोल्ड फ्लूड एट द आउटलेट दैट इज टी एच ओ माइनस टी सी ओ, इसका नाम दिए हम थीटा टू। अब हम इसके लिए यहाँ से y एक्सिस से x डिस्टेंस पर, y एक्सिस से x डिस्टेंस पर एक सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं। इसका लेंथ हम एज्यूम करें कि लेंथ है dx, एंड इस एलिमेंटल सेक्शन में जो हीट एक्सचेंजर का सरफेस एरिया दैट इज पाई डी इंटू डी एक्स, दैट इज से dA, dA इज द सरफेस एरिया ऑफ हीट एक्सचेंजर बिटवीन दिस लेंथ dx। तो यहां से हम एक सेक्शन लिए, यहां हम एज्यूम कर रहे हैं कि जिस सेक्शन पर, इस सेक्शन पर हॉट फ्लूड इन हो रहा है, तो हॉट फ्लूड का टेम्परेचर है TH, कोल्ड फ्लूड इस सेक्शन पर इन हो रहा है, कोल्ड फ्लूड का इस सेक्शन पर टेम्परेचर है TC। जब हॉट फ्लूड dx डिस्टेंस में फ्लो हुआ, इस समय हॉट फ्लूड में जो के टेम्परेचर में जो डिक्रीज हुआ दैट इज ए dTH, कोल्ड फ्लूड इस सेक्शन में जब फ्लो हो रहा है तो कोल्ड फ्लूड के टेम्परेचर जो गेन किया दैट इज ए dTC, यानी dTC क्या है, गेन इन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूड व्हाइल फ्लोइंग थ्रू dx डिस्टेंस। dTH क्या है, हॉट फ्लूड ही टेम्परेचर, हॉट फ्लूड का टेम्परेचर ड्रॉप हुआ कब, जब dx डिस्टेंस में, इतने डिस्टेंस में हॉट फ्लूड फ्लो हुआ। तो अब यहां से हम एज्यूम कर रहे हैं कि से m सफिक्स h मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूड इन kg पर सेकेंड, m सफिक्स c मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूड इन kg पर सेकेंड, ch स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट फ्लूड इन किलो जूल पर kg केल्विन, cc is the specific heat of cold fluid in kg kilojoule per kg degree kelvin। now ab yahan se hum isko simplify karte hain, consider heat transfer across an element of length dx, hum baat kar rahe hain dx distance ka, then dx distance mein jo heat exchange hua, then the heat flow dq through this elementary length is given by, तो हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं हीट ट्रांसफर इन टर्म्स ऑफ, फर्स्ट यूनिट में हम पढ़े थे कि हीट ट्रांसफर इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट क्यू इज इक्वल टू यू ए डी टी। सेम यहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं कि एलिमेंटल एरिया में जो हीट ट्रांसफर हुआ दैट इज डी क्यू इज इक्वल टू यू इंटू डी ए इंटू टी एच माइनस टी सी, टी एच माइनस टी सी को हम नाम दिए थीटा। नाउ उस एलिमेंटल एरिया में जितना हॉट फ्लूड हीट लूज करेगा उतना ही कोल्ड फ्लूड हीट गेन करेगा, मींस dq इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय हॉट फ्लूड,
हीट लॉस्ट बाय हॉट फ्लूइड क्या हो जाएगा, MCDT यानी कि MHCPHDTH इज इक्वल टू MCCCDTC। यहां से हॉट फ्लूइड हीट लूज कर रहा है तो इसलिए यहां माइनस साइन। इसके बाद से हम जानते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ CH, अगर हम बात करें कि प्रोडक्ट ऑफ MH एंड CH, प्रोडक्ट ऑफ MH एंड CH इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट फ्लूइड, प्रोडक्ट ऑफ MC एंड CC इज हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड फ्लूइड। तो यहां से इस इक्वेशन में MHCH के जगह हम लिख रहे हैं कैपिटल CH, MCCC के जगह हम यूज कर रहे हैं सी सफिक्स सी। अब इक्वेशन टू, इक्वेशन टू से हम ये दोनों का यूज करके हम निकाल रहे हैं वैल्यू ऑफ DTH। उसके बाद से ये दोनों का यूज करके हम निकाल रहे हैं वैल्यू ऑफ DTC। तो DTH इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस DQ बाई CH, DTC इज इक्वल टू क्या आ गया, DQ बाई CC। अब DTH में से DTC को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, तो DTH माइनस DTC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस DQ 1/CH प्लस 1/CC। TH यहां देखे थे, TH माइनस TC को हम माने थे थीटा, तो DTH माइनस DTC क्या हो जाएगा, dθ। तो नाउ अब ये इस इक्वेशन में, इक्वेशन थ्री में जो DQ का वैल्यू है, ये DQ का वैल्यू हम इक्वेशन वन में DQ इज इक्वल टू क्या है, UDA थीटा। तो यहाँ हम DQ के जगह इक्वेशन वन से DQ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें UDA थीटा। तो यहाँ से DTH माइनस DTC इज इक्वल टू माइनस UDA थीटा 1/CH प्लस 1/CC इज इक्वल टू dθ। नाउ अब यहां से ये जो थीटा है, इस थीटा को हम इस साइड में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, dθ बाई थीटा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हो गया dθ बाई थीटा इज इक्वल टू माइनस UDA 1/CH प्लस 1/CC। इसका नाम दिए इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 4 को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट। ये फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट, इनलेट का नाम दे रहे हैं सेक्शन 1, आउटलेट का नाम दे रहे हैं सेक्शन 2। तो यहां इक्वेशन 4 को इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, नाउ इक्वेशन 4 को जब हम इंटीग्रेट किए dθ बाय थीटा, तो थीटा का वैल्यू इनलेट पर कितना है θ1, आउटलेट पर कितना है θ2। यू कांस्टेंट है तो माइनस यू 1/CH प्लस 1/CC को कॉमन ले लिए। इंटीग्रल ऑफ dA, इनलेट पर एरिया क्या हो जाएगा 0, आउटलेट पर एरिया क्या हो जाएगा टोटल एरिया, दैट इज A इज इक्वल टू A। तो इनलेट पर A इज इक्वल टू 0, आउटलेट पर A इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ हीट एक्सचेंजर, दैट इज A। नाउ इंटीग्रेट करने के बाद dθ बाय थीटा का इंटीग्रेशन, dx बाय x का इंटीग्रेशन log x, लिमिट पुट कर लेंगे तो log बेस ई θ2 बाय θ1 इज इक्वल टू माइनस UA 1/CH प्लस 1/CC। इसका नाम दिए इक्वेशन नंबर 5। यहाँ से चारों डेरिवेशन जो हम डिराइव करेंगे इक्वेशन नंबर 5 तक, चारों डेरिवेशन सेम, स्लाइटली चेंज, 90% चारों डेरिवेशन सिमिलर है। तो यहाँ से नाउ टोटल हीट, अब इसके बाद हम जानते हैं कि टोटल हीट लॉस्ट बाय हॉट फ्लूइड इज इक्वल टू टोटल हीट गेन बाय कोल्ड फ्लूइड। टोटल हीट लॉस्ट बाय हॉट फ्लूइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MCDT, मास ऑफ हॉट फ्लूइड एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट फ्लूइड इनटू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ हॉट फ्लूइड फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट। इसी तरह से हीट गेन बाय कोल्ड फ्लूइड इज इक्वल टू मास ऑफ कोल्ड फ्लूइड इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्ड फ्लूइड इनसाइड ब्रैकेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड एट आउटलेट माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड एट इनलेट। नाउ MHCH के जगह हम यूज कर रहे हैं CH, MCCC के जगह CC। तो यहां से Q इज इक्वल टू, यहां से Q इज इक्वल टू CH THI माइनस THO इज इक्वल टू CC TCO माइनस TCI।
अब यहां से हम ये दोनों का यूज करके, वन बाई सी एच निकाल लेंगे, और ये दोनों का यूज करके यहां से हम वन बाई सी सी निकाल लेंगे। अब ये वन बाई सी एच, वन बाई सी सी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहां से ये इक्वेशन बन। यहां से डिनोमिनेटर में दोनों का क्यू है, क्यू को कॉमन ले लिए, माइनस साइन को इसके अंदर भेज दिए, तो ये इक्वेशन बन करके तैयार हो गया। अब इसके बाद से इसको सिंप्लीफाई कर दिए, ये जो चारों टेम्परेचर है इसको थीटा वन थीटा टू के टर्म में हम ब्रेक कर देंगे, तो ये टी एच ओ माइनस टी सी ओ ये हो गया थीटा टू, टी एच आई माइनस टी सी आई ये हो गया थीटा वन। तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा टू, इसको हम लिख सकते हैं थीटा वन। नाउ या क्यू इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, यू ए थीटा टू माइनस थीटा वन बाई लॉग बेस ई थीटा टू बाई थीटा वन, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। एग्जाम में आएगा डेरिवेशन, डेराइव एल एम टी डी फॉर पैरेलल फ्लो, तो यहां तक आपको डेराइव करना है। काउंटर फ्लो का डेरिवेशन डेराइव करेंगे, सेम रिजल्ट आएगा, बस थीटा वन थीटा टू का वैल्यू चेंज हो जाएगा, बाकी सेम रिजल्ट। क्यू इज इक्वल टू यू ए थीटा टू माइनस थीटा वन बाई लॉग बेस ई थीटा टू बाई थीटा वन, जहां ये इतने टर्म को थीटा टू माइनस थीटा वन बाई लॉग बेस ई थीटा टू बाई थीटा वन को हम बोलते हैं एल एम टी डी। अब यहां से अगर हम इसको थीटा टू माइनस थीटा वन लिखें, या इसको अगर आप चेंज कर दीजिए, इसको थीटा वन माइनस थीटा टू कर दें और डिनोमिनेटर में भी थीटा वन बाई थीटा टू कर दें, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर किसी टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा हो कि थीटा वन यहाँ लिखा हो, थीटा वन यहाँ लिखा हो, थीटा टू यहाँ लिखा हो, थीटा वन यहाँ लिखा हो, थीटा टू, तो मीनिंग इज सेम, थीटा वन माइनस थीटा टू बाई लॉग बेस ई थीटा वन बाई थीटा टू, या थीटा टू माइनस थीटा वन बाई लॉग बेस ई थीटा टू बाई थीटा वन, मीनिंग इज सेम, आंसर सेम आएगा। तो ये था एल एम टी डी फॉर पैरेलल। सिमिलर फैशन में हम डिराइव करेंगे एल एम टी डी फॉर काउंटर फ्लो। यहां से एल एम टी डी फॉर काउंटर फ्लो, का मतलब कि हॉट फ्रूट कोल्ड फ्रूट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो यहां हम ज़ूम कर रहे हैं कि हॉट फ्रूट फ्लो हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कोल्ड फ्रूट फ्लो हो रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अपोजिट डायरेक्शन। तो हॉट फ्रूट यहाँ इन हो रहा है, यानी कि हॉट फ्रूट का इनलेट टेम्परेचर ये हो गया टी एच आई। जैसे जैसे हॉट फ्रूट फ्लो होगा, हॉट फ्रूट का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और आउटलेट पर हॉट फ्रूट का मिनिमम टेम्परेचर होगा, दैट इज टी एच ओ। कोल्ड फ्रूट यहाँ इन हो रहा है, तो कोल्ड फ्रूट का मिनिमम टेम्परेचर टी सी आई इनलेट पर होगा। जैसे जैसे कोल्ड फ्रूट फ्लो होगा, हीट गेन करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और कोल्ड फ्रूट का टेम्परेचर ग्रेजुअली क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कोल्ड फ्रूट का मिनिमम टेम्परेचर कहाँ होगा, इनलेट पर, दैट इज टी सी आई। कोल्ड फ्रूट का मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ मिलेगा, आउटलेट के पास, दैट इज टी सी ओ। तो यहां से सेम फैशन, अब लेफ्ट हैंड साइड में जैसे वहां माने थे कि हॉट फ्रूट कोल्ड फ्रूट के टेम्परेचर डिफरेंस को थीटा वन, तो पैरेलल फ्लो के केस में थीटा वन इज इक्वल टू क्या था, टी एच आई माइनस टी सी आई। यहाँ थीटा वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी एच आई माइनस टी सी ओ। टी एच आई माइनस टी सी ओ काउंटर फ्लो में क्या हो जाएगा, थीटा वन। टी एच ओ माइनस टी सी आई क्या हो जाएगा, दिस इज थीटा टू। तो यहां से थीटा वन थीटा टू, बस ये वैल्यू जो थीटा वन थीटा टू का है, ये पैरेलल फ्लो काउंटर फ्लो में दोनों क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बाकी सेम, एम सफिक्स एच मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्रूट इन केजी पर सेकेंड, एम सफिक्स सी मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्रूट इन केजी पर सेकेंड, स्पेसिफिक सी एच स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट फ्रूट, सी सी स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्ड फ्रूट, कंसिडर हीट ट्रांसफर अक्रॉस एन एलिमेंट ऑफ लेंथ डी एक्स। इस डी एक्स डिस्टेंस पर हीट एक्सचेंजर में हम एक डी एक्स लेंथ एज्यूम किए, उस डी एक्स लेंथ का जो सरफेस एरिया है, दैट इज से डी ए। तो डी एक्स डिस्टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इस डी एक्स डिस्टेंस यहाँ से
यहां से यहां तक, देन हीट फ्लो dQ थ्रू दिस एलिमेंटरी लेंथ इज गिवन बाय द इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट. हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू यू एट थीटा. तो यहां से dQ इज इक्वल टू यू एट थीटा, यानी कि मीन्स TH माइनस TC. TH क्या है? टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूड एट द इनलेट ऑफ एलिमेंटल बॉडी. TC क्या है? टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूड एट द इनलेट ऑफ एलिमेंटल बॉडी. TH माइनस TC का नाम दिया थीटा. ये हो गया इक्वेशन नंबर वन. नाउ एक चेंज यहाँ जो होगा, जो पैरेलल फ्लो के केस में, अगर हम इसके पहले जो पैरेलल फ्लो देखे थे, तो यहाँ से इस केस में काउंटर फ्लो के केस में जब हम सेक्शन वन टू टू की तरफ बढ़ेंगे, वन से टू की तरफ बढ़ेंगे, तो इस सेक्शन में यहाँ से यहाँ तक जब हम लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे, तो हम क्या देख रहे हैं कि हॉट फ्लूड का टेम्परेचर भी क्या हो रहा है इस सेक्शन में, यहाँ से डीटीएच क्या हो रहा है, वन टू टू क्या है, डिक्रीजिंग. वन टू टू कोल्ड फ्लूड का टेम्परेचर भी क्या है, डिक्रीजिंग. तो यहाँ डीटीएच एंड डीटीसी, DTH एंड DTC दोनों जो है ये क्या हो जाएगा, निगेटिव. पैरेलल फ्लो के केस में हम देखे थे कि हॉट फ्लूड के केस में यहाँ आया था निगेटिव, कोल्ड फ्लूड के केस में ये आया था पॉजिटिव. तो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के केस में सिर्फ यहाँ चेंज हो जाएगा, जो प्लस साइन था वो माइनस साइन हो जाएगा, दोनों माइनस साइन हो जाएगा, बाकी डेरिवेशन 100% सेम. नाउ अब यहाँ से इसको dQ इज इक्वल टू CH इंटू DTH CC इंटू DTC विथ माइनस साइन. अब यहाँ से हम निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ DTH. DTH इज इक्वल टू माइनस dQ बाई CH, DTC इज इक्वल टू माइनस dQ बाई CC. DTH में से DTC को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, इक्वेशन नंबर थ्री बन गया. अब इक्वेशन थ्री में dQ के जगह इक्वेशन वन से dQ का वैल्यू यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो dQ इज इक्वल टू क्या है, यू डी ए थीटा, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए. अब थीटा टर्म को हम डी थीटा की तरफ लेकर चले आ रहे हैं यहाँ, तो क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू माइनस यू डी ए वन बाई सी एच माइनस वन बाई सी सी. दिस इज इक्वेशन नंबर फोर. नाउ अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर फोर को इंटीग्रेट कर दीजिए फ्रॉम सेक्शन वन टू सेक्शन टू. सेक्शन वन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का सेक्शन को अपन वन मान रहे हैं, राइट हैंड साइड के सेक्शन को हम सेक्शन टू मान रहे हैं. इसको इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेट करने के बाद इक्वेशन नंबर फाइव. अब इक्वेशन नंबर फाइव के बाद हम जानते हैं कि टोटल हीट लॉस्ट बाई हॉट फ्लूड इज इक्वल टोटल हीट गेन बाई कोल्ड फ्लूड. यहाँ से दोनों को हम इक्वेट कर दिए, दोनों को इक्वेट कर देते हैं. तो Q इज इक्वल टू सी एच टी एच आई माइनस टी एच ओ इज इक्वल टू सी सी टी सी ओ माइनस टी सी आई. अब ये दोनों का हेल्प लेकर के वन बाई सी एच निकाल लेंगे, ये दोनों का हेल्प लेकर के वन बाई सी सी निकाल लेंगे. तो 1 बाई सी एच निकल गया, 1 बाई सी सी निकल गया. अब 1 बाई सी एच एंड 1 बाई सी सी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इक्वेशन ये बन गया. अब यहाँ से इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, क्यू को कॉमन ले लिए. क्यू को कॉमन लेने के बाद ये जो चारों टेम्परेचर है, चारों टेम्परेचर को थीटा वन थीटा टू के टर्म में हम इसको ब्रेक कर देते हैं. तो टी एच ओ माइनस टी सी आई काउंटर फ्लो में क्या है, थीटा टू. टी एच आई माइनस टी सी ओ काउंटर फ्लो के केस में हम क्या माने हैं, थीटा वन. तो नाउ या क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू ए थीटा टू माइनस थीटा वन बाई लॉग बेस ई थीटा टू बाई थीटा वन. तो दिस इज द सेकेंड डेरिवेशन. तो दोनों डेरिवेशन में से कोई एक डेरिवेशन आपके आर जी पी के एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है. दोनों डेरिवेशन में सिर्फ और सिर्फ चेंज जो करना है वो एक ही करना है कि यहाँ माइनस साइन पैरेलल फ्लो के केस में सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन यहाँ होगा, काउंटर फ्लो के केस में माइनस साइन दोनों जगह होगा. सिर्फ बेसिक डिफरेंस यही है, इसके अलावा दोनों डेरिवेशन 100% सेम है.
तो ये था LMTD फॉर पैरेलल फ्लो, LMTD फॉर काउंटर फ्लो। अगले क्लास में हम डिराइव करेंगे इफेक्टिवनेस NTU फॉर पैरेलल फ्लो एंड काउंटर फ्लो, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन LMTD, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन NTU, हीट एक्सचेंजर खत्म। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हीट एक्सचेंजर को कंप्लीट करेंगे। तो अभी के लिए गुड डे, थैंक यू।